लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब जनानी आवाज में क्या शक्ल होगी इसकी? तड़पत बीत मोरी हाय, तड़पत बीत मोरी उन बिन रतिया आयन बालम, का करूं सजनी पुत्र शुरू। तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। आप जनाना आवाज में शुरू। नहीं पुत्र नहीं, रब तेरा भला करे, जब जनाना आवाज में गाओगे तब दोनों होंठ नहीं मिलने चाहिए और वरना पब्लिक को पता लग जाएगा। हाँ चल फिर से शुरू। एक दीवाना आशिक रांझा हर घड़ी हर पल मारा मारा फिरता है, होंठों पर एक ही नाम लिए हीर हीर मेरी हीर। मैं चली जाऊंगी यहाँ से दूर, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा।
चमन से जान बदन से हाय हुई है जुदा। ओ हम तुम हुए जैसे जुदा। बसो मोरे मन में बालम आन, बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आई, तुम बिन रतियाँ कुछ न भाए, मन में मोर भूख उठत जब कोयल कूके बल में बालम आन बसो। ज्ञानी साहब बालम आन बसो मोरे मन में। अरे साइन तो करो। थैंक यू थैंक यू। जानी मेंडिस सीईओ हमीद एंड इज टॉकिंग डॉल। जानी साहब लेटर हुआ। अरे जानी किसका खत है, इस पार का या उस पार का, दुश्मन का या यार का, प्यार का या तकरार का, इनकार का या इकरार का, नहीं तो जरूर होगा सरकार का। टैक्स 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 बस पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे बोल ना किसका खत है। छोटी सी परी रोज मेरी। डियर जॉनी, 3 महीने बाद चिट्ठी लिखने की फुर्सत मिली और वो भी बहाने भरी। अच्छा तो अब ये भी मान लेना पड़ेगा कि परमानेंट एड्रेस के ना रहने की वजह से ये देर हुई। ये भी कोई बात हुई,
एड्रेस की जरूरत तो सिर्फ खत पाने के लिए होती है। अरे अगर आदमी चाहे तो किसी भी रेलवे स्टेशन से चिट्ठी पोस्ट कर सकता है। नहीं बाबा, शुरू में ही झगड़ा मोल नहीं लूंगी तुमसे। तुम ठीक हो यही जानकर मैं बहुत खुश हूँ। हम सब ठीक ठाक हैं। तुम्हें ये सुनकर सरप्राइज होगा कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। 4,318 रुपीस पर मंथ। कैन यू बिलीव इट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे जो लेसन्स भेजे थे ना, वो मैंने अच्छी तरह याद कर लिए हैं। और डैडी ने फर्नांडो की दुकान से करकासी के नोटेशंस भी खरीद दिए हैं। बहुत एक्साइटिंग है। तुम आओगे तो सुनाऊंगी। रोजी, गेट मी अनदर ड्रिंक प्लीज। डैडी वैसे तो ठीक हैं, पर पीने पर अब भी कोई कंट्रोल नहीं है और इस बात पे हमारा झगड़ा रोज होता है। स्टॉप इट। और नहीं, अब उन फिर होटल में जाएगा। अपना कोई कदरदान नहीं इधर। तुम अपना मम्मी का माफिक होता जा रहा है, चेक 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 करता है। गेट मी अनदर ड्रिंक बेबी। मम्मी के दो लेटर्स आए हैं, नए घर की पिक्चर्स भेजी हैं, मुझे बार बार ऑस्ट्रेलिया बुला रही हैं, मगर मैंने तो अभी इनकार कर दिया है। अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। बॉम्बे कब आ रहे हो? जल्दी आना हाँ, हमीद और उसकी उर्वशी से मिलने को बहुत जी चाहता है। तुमने अब तक क्या क्या सीखा, दिन भर क्या करते हो, ये सब एक लंबी सी चिट्ठी में जल्दी लिखना। और इस बार सिर्फ 5 लाइन से गुजारा नहीं चलेगा, वरना कट्टी कट्टी कट्टी। मुझे सोचकर हैरत हो रही है कि तुम रोज ऑफिस जाने लगी हो। सचमुच बड़ी हो गई हो तुम। ये जानकर खुशी हुई कि तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही हो, वरना ब्रगंजा बिल्कुल अकेला हो जाता। तुम्हें मैंने पहले ही लिखा था कि किस तरह गोवा में आकर अमित की पार्टी में शामिल हो गया। अब तो लगता है लाइफ ही चेंज हो गई है। कितने सारे छोकरे यहां गिटार बजाते हैं, गाते हैं, इतने कंपटीशन में तो यहां पांव रखने की जगह नहीं। इसलिए सोचा कोई नया खेल सीखूं, वेंट्रिलोक्विज्म, एक अनोखा खेल। एक दिन हमीद से पूछा, उस्ताद सिखाओगे? तो तू सीखना चाहता है? जी। पहले ये बता के मर्द और औरत में क्या फर्क होता है? जी, औरत माँ और मर्द बाप। पिटे मुँह। जी बब, औरत फूल और मरद भौरा। वही ना गल। पर पुत्र है, बड़ा मुश्किल काम है। एदे विच बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए। बस ऐ समझ लो के लोहे के चने हैं, चबा सकेगा? कोशिश करूंगा। फिर ना कहना ये लोहे के चने हमसे चबाए नहीं जाते। हाँ अब मैं सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, आवाजों का जादूगर भी हूं। घंटों प्रैक्टिस करना पड़ता है। और पता है, उस्ताद के सामने बैठकर सीखने का नाम है तालीम। हमिद मुझे बहुत प्यार से सिखाता है। घर सनी
अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा। सबसे मजेदार है नर और नारी की दो अलग पहचान की आवाज एक ही गले से पेश करना। अनारकली। अजीब आदमी है हमीद साहब, अपनी ही धुन में रहता है, जैसे उसकी गुड़िया नहीं महबूबा है, अपने हाथों से उसका श्रृंगार करता रहता है। और जहां नौटा गंदर तो प्यार मोहब्बत शुरू। सारी रैन का जागा बनामिया अखिया हो गई लाली रे, मेरी नींद चट गई। वाह उस्ताद, जवाब नहीं। ओए कोशिश दे मैं बेचारा मेरा देश महान आ गए छा गए हमीद और उसकी। सुबह सुबह मोहन और मैं निकल पड़ते हैं शो की पब्लिसिटी के लिए। अजब खेल अजब तमाशा, बजाओ ढोल बजाओ ताशा। इन दिनों हमीद के साथ एक नया प्रॉब्लम हो गया है, लगातार गले की खराश। एक दिन तो शो ही कैंसिल करना पड़ा। दर्द होता है थोड़ा, ये दर्द करता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा मुंह खोलो। आई थिंक ही इज क्वाइट सीरियस। डॉक्टर को शक है गले का कैंसर, बड़े शहर में इलाज को कहा है, मगर उस्ताद थोड़े ही माने। ओए डॉक्टर, तू हमें बेवकूफ बनाना है। ओए कैंसर जिगर में होता है, कलेजे में होता है, सीने में होता है, पेट में होता है, और गले में कैंसर, और वो भी इस गले में जो आवाज का जादूगर है, पिछले 50 साल से गाना गाता आया। इस बार चिट्ठी ज्यादा ही लंबी हो गई है। मेरा हेलो कहना पड़ेगा गंजा को, ठीक तो है ना वो? रोजी लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। Dim tala na de de tala, tan na de de na dim tala na de de tala, nom ta de de na dim tala na de de tala, nom ta de de na dim na de 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 tala de de tala de de tala de da de da de di, na 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 de 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 da de da de da de da de dim tala na de de tala, nom ta de de na dim tala na de de tala. Sab ta sura na ti na gham par si badi, is ta na sali na da de da ba ba. Nisani sani ni da 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 ba 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 ma ga ma da ga ma ma ga re ta da da kir da 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 kir da 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 kir da 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 बुढ़ा होता जा रहा है। तो बुढ़े खुसट से क्या होगा, 2 मिनट में तो सांस फूल जाती है। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे चाहिए जवान मर्द जो मुझे हंसाएगा रुलाएगा प्यार करेगा। ओ नखदे वाली, तुझे जवान मर्द का शौक उठा है। दोस्तों कदरदानों मेहरबानों, इस नखरे वाली के लिए मैं अब एक जवान मर्द लेने जा रहा हूँ, जिसको देखते ही मेरी तरह इसकी सांस फूल जाएगी। आप लोग जाना नहीं, सिर्फ 5 मिनट का इंटरवल। जैसा कि किसी ने ठीक कहा है कि जो जाके न आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा पर्दा।
जॉनी चल तैयार हो जा, तुझे स्टेज पे जाना है। मेरी आवाज फंस गई है, लोग हंगामा करेंगे, पैसे वापस मांगेंगे। लेकिन उस्ताद आपकी जगह मैं उर्वशी के साथ स्टेज पर। क्यों, इतने दिन क्या झक मारी है, कुछ सीखा नहीं? नहीं उस्ताद, पब्लिक के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं। अरे एक दिन तो पब्लिक के सामने जाना ही है। अरे आज ही चला जा और जाके उर्वशी को बता कि तू भी किसी से कम नहीं है। गिटार गिटार ला, ये ले ये गिटार तेरे हाथ में, मेरी तालीम तेरे साथ में। जा जा, अल्लाह सब ठीक करेगा, जा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, तुम ही मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे दोस्त, मेरे हमदम। ओ डार्लिंग, मुझे डिस्को ले चलो ना। हाँ? डिस्को? तुम पागल हो गई हो, वो भी इस लिबास में? अरे डिस्को जाने के लिए मॉडर्न ड्रेस चाहिए, हॉट पैंट्स, मिनी स्कर्ट्स, सेक्सी ड्रेस। हाँ? नहीं डार्लिंग, मुझे इसी लिबास में ले चलो ना, प्लीज डार्लिंग, प्लीज। ओहो, ओके। I am a disco dancer, I am a disco dancer, zindagi mera gaana, zindagi mera gaana, main isi ka deewana, to jhoomo, to nacho, aao mere saath nacho gao, I am a disco dancer. जानी, तुमने मुल्क का बंटवारा देखा? मैं आज भी साफ साफ देख सकता हूं चलते हुए गांव, हजारों आदमियों की चीखों पुकार, गांव के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए। जानी एक मैं अकेला उर्वशी के साथ हिंदुस्तान रह गया। ताला मर ही गया होता अगर वो मेरा सिख दोस्त जरनैल सिंह मुझे छुपा कर ना रखता। हालात ठीक हुए तो फिर मैं और उर्वशी कहां कहां नहीं भटके, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, सालों साल तक भटकते रहे। जानी अब मैं थक गया हूं मगर उस छनाल को थकन नहीं। जानी तू एक काम कर, उर्वशी को मुझसे खरीद ले, वह मेरे बस की नहीं है, मेरे दिन तमाम हो चुके हैं। तो कितने पैसे देगा? आज उस्ताद का नशा बहुत जोर पकड़े है जानी सर, एकदम अगड़म बगड़म बोलो थे। तू चुप कर, बोल जानी कितने पैसे देगा? वो कमाने वाली औरत है उस्ताद, उर्वशी को लेके कमाने के लिए बहुत कुछ जानना होगा, सीखना होगा। तुम नहीं रहोगे तो ये सब कैसे होगा उस्ताद? नहीं ऐसा नहीं होगा, तू मेरी बताई हुई औरत को मेरी आंखों के सामने नचाता रहेगा और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा। नहीं, बेच दूंगा, कैश ना सही, क्रेडिट पर दे दूंगा। घूर घूर कर क्या देख रहा है,
मैंने अपनी इतनी खूबसूरत औरत को तेरे हाथ भेज दिया। ये सुंदरी युग युग तक एक ही तरह की रह गई है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। अब तू इसका नौसिखिया बालम है। लेकिन उस्ताद, तुम इसके बगैर जिंदा कैसे रहोगे, कभी सोचा है? मैं तो महज कुछ दूर के लिए इसका हमसफर था। अपने उस्ताद की आगोश से लेकर तुम्हारी बाहों तक का ही हमसफर। मुझसे पहले न जाने ये किन किन कारवानों में कहां कहां किसके साथ सफर करती रही। इस सफर को जारी रखना जानी, मगर ये साली है बड़ी खतरनाक। जादूगर जिन इसकी जेब में है, इसे बड़े जतन से रखना होगा। और एक बात कान में डाल लो, जब तक तुम्हारी आवाज काबू में रहेगी, उर्वशी बोलती रहेगी, आवाज में सुर होगा तो गाती रहेगी, दिलो दिमाग ठीक रहे ये पब्लिक को नचाती रहेगी, और जिस दिन इनमें गड़बड़ी आ जाए तो मत रखना इसे, बेच देना जैसा कि मैं कर रहा हूं, बेच देना। उस्ताद, तुम इसे ले जाओ उस्ताद, उर्वशी के बगैर तुम पागल हो जाओगे। पागल? पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन अपनी आवाज को बैठा था। कैंसर, साला डॉक्टर का बच्चा। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। I'm sorry. करीब आओ। चूली के पीछे क्या है? चूली के पीछे क्या है? नहीं मालूम। उर्वशी, she's stunning. ये सरप्राइज कैसा लगा? मैं समझी थी तुम गांव से एक दुल्हन ले आए हो। लाया तो हूं बीबी, एक नन्ही मुन्नी झूमती झामती गुड़िया। ए रोजी। इन कई महीनों में कितनी बड़ी हो गई रे। तुम्हारे उस्ताद हमीद कहाँ हैं? वो अपने गांव पंजाब चले गए और मुझे बेच गए इस खूबसूरत गुड़िया को। क्यों? सैड स्टोरी। उसकी आवाज ने दम तोड़ दिया।
आखिर वेंट्रिलोक्विज्म आवाज का ही खेल है ना। अब मेरी बारी है, खेल जारी रहेगा। ये गुड़िया अब मेरी आवाज में बोलेगी, मेरे इशारों पर नाचेगी। जॉनी एनी स्टॉकिंग डॉल। अरे उस्ताद, ई का शहर है बंबई, यहाँ तो हर चीज का दाम में आग लगी है। कोई भी चीज को छूने तक का दाम मांगत है और पानी तक का पैसा मांगत है पैसा। ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, यह बंबई मेरी जान। यह मोहनिया मेरा दोस्त, हेल्पर, असिस्टेंट वगैरह वगैरह। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मगर तुम वही मोहन हो ना जिसे हमें जॉनी के साथ भगा दिया करते थे। हेलो मोहन, आई एम रोजमेरी। नमस्कार। पापा। ए ब्रगंजा। Hey, Johnny, what a surprise! क्या ब्रगंजा, संडे को भी काम कर रहे हो? अरे इतना पैसा कमा के क्या करोगे? अरे काम का बहुत प्रेशर है, हर दिन सिटी में कितना नया कार ऐड होता है, सबका कोई ना कोई बीमारी रहेगा कि नहीं है, इसलिए काम ज्यादा हो गया। है ना बढ़िया कार है, 60 का रेना मॉडल, टिप टॉप कंडीशन, एकदम अपुन का माफिक। रेडी है तो जॉनी, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? एकदम जबरदस्त ब्रगंजा, मोहन माय असिस्टेंट ब्रगंजा। हाय हाय। पापा, जॉनी शादी बना के लाया। अरे क्या बात करता है, कांग्रेस, फिर तो सेलिब्रेशन होना बनता है। एक प्रॉब्लम है पापा, इसने गुड़िया से शादी की है। शी इज वेरी प्रिटी। अरे तो और सेलिब्रेशन होना बनता। तस्वीर में जो लड़का है ना, वो पापा है, 17 या 18 के, और वो मेरे ग्रैंडपा और ग्रैनी। ता मतलब? मेरे दादा दादी। दादा मर गए, पर दादी तो अब भी गोवा में है। और ये मेरी मम्मी है, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। और ये उनका नया घर, और वो नया पति। नया पति? हाँ, और वो वो मैं हूँ। याद है नंबर? Of course, Nat King Cole. I am lost. Cheers. 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 Cheers to Johnny and his talking doll. नई जोड़ी सलामत रहे। मुझे अपनी टीम में ले लो ना। मैं गिटार बजाऊंगी, but part time. जॉब नहीं छोड़ सकूंगी। जॉनी, हमारा रोजी अब बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। देखते हैं। ए रोजी, जरा गिटार लाना। ए ब्रगंजा, एक नया गाना कंपोज किया है, थोड़ा रंग मिले जुले हैं, सुनाओ। एनी टाइम। चल मोनिया, शुरू हो जा। हाँ उस्ताद। That's it! लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झामती लैला। लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झामती लैला।
अब तू मन के पट भी खोल। लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झामती लैला। गुड़िया है तू मेरी गुड़िया, मेरी नन्नी मुन्नी गुड़िया। गुड़िया है तू मेरी गुड़िया, मेरी नन्नी मुन्नी गुड़िया। द्वार मन के खुले, रब मिले तो सब मिले। सच सदा तू बोल, लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झामती लैला। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस ब्रगांजा प्लीज? आप जनाब कौन बोल रहे हैं? मैं जॉन मेंडेज। जॉन मेंडेज, से आपको इस मोबाइल का नंबर किसने दिया? रोजमेरी हैज गिवन मी सर, कुड आई स्पीक टू हर? होल्ड ऑन। May I come in, sir? Call for you. Mind it, this mobile is not for anyone and everyone. It's confidential. I'm sorry, sir. Mendez. Hello? Hi, Rosemary. Lagta hai boss bahut gusse mein hai, na? Haan. Shaam ko milte hain. Kahan? Office ke baad. Achha. Next call at 6:30. Okay. Bye. Yeah. Bye. ये कैसा रहेगा? It's beautiful. It'll look fantastic on Urvashi. एक मिनट, मेजरमेंट्स लेना होगा। Excuse me, would you please give us a tape? Thanks. Welcome. 18. Mm-hmm. 36. Okay. और ये 31. थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, फिर एकदम फिट आएगा। जी कितने का है? 1955 प्लस टैक्सेस। टेक इट सर, इट लुक्स वेरी नाइस ऑन हर। बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स अ डिजाइनर्स ड्रेस मैम। अब नेक्स्ट टाइम। Aye, 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 madam. Export quality. देखिए बहुत अच्छा चीज है, नहीं मिलेगा मैडम। 10% लास्ट डिस्काउंट मैडम। आइए, बहुत अच्छा चीज है। आइए, एक्सपोर्ट क्वालिटी। आइए मैडम, देखिए। ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा चीज है। आइए मैडम। लेकिन वो मैक्स वाला बहुत अच्छा था ना? हाँ अच्छा तो था, लेकिन हमारे पास उतना पैसा थोड़ी है। एक बार शो जम जाए फिर अच्छा सा कपड़ा खरीद लेंगे। हाँ। अभी इसमें काम चल जाएगा। क्या हुआ? तुम छोड़ दो, मैं इसे चेंज कर देती हूँ। अरे गुड़िया का ड्रेस चेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
ये भी एक आर्ट है। हाँ हाँ मैं खूब जानती हूँ इस आर्ट को, तुम उधर जाओ जाओ। अरे ये क्या मजाक है, इधर मत देखना। थोड़ी सी कमर से कसनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से अगर इस टॉप को दो पार्ट्स में काट लें तो चेंज करने में आसानी होगी। हाय हमीद की उर्वशी, मुंबई रैम की नई मॉडल। अब जॉनी तुझे इस सपनों के शहर में ना जाएगा। Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you go strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. Listen to the falling rain, listen to it fall. अरे खिड़की बंद करो नहीं तो भीग जाओगी। रोजी क्या हो रहा है, खिड़की बंद करो। Men are stupid. कुछ भी नहीं समझते। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो 1 2 3 4 हेलो हेलो सब ठीक है ना? Hey Johnny, all the best. Hey Vakanza, इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस। Yeah, don't worry. Take. Darling, it's going to be great. Thanks, Papa. Ladies and gentlemen, ab shuru ho raha hai Johnny and his talking doll. In kapdon mein kya lag rahi ho meri phuljadi? Khaak lag rahi hu. Ek dar chudel ki tarah lag rahi hu. Wo dulhin ko dekho. Kitni khoobsurat lag rahi hai. Mujhe bhi wo wale kapde la ke do na. अरे भाई वो दुल्हन के जूड़े हैं, वो कपड़े मैं कहां से ला सकता हूं? तो मुझे भी दुल्हन बनाओ ना। कितने साल मुझे साथ लेकर घूमते रहे हो और शादी का नाम तक नहीं लेते। और कहीं देर कर दी ना तो मेरा बाप किसी बूढ़े या खुसक के साथ मेरा पल्ला बांध देगा, समझे? क्या समझे, खाक समझूं? अरे भाई साहब मैं इस नखरे वाली को लेके तो परेशान हो गया। मेरी जान ओ नखरे वाली झड़ी ले आऊंगा मैं दूसरी करेगा।
तुझे हथकड़ी दिल भर जाने तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा दिल में मेरे चम 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 के छेड़ अभी ना दुपड़े गम के छोटा मोटा प्यार दिखा मत कुंवारी हूँ मैं हाथ लगा मत मेरी जान ओ नखरे वाली फूल झड़ी ले आऊंगा मैं दूसरी दिल भर जाने तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा दिल में मेरे चम 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 के छेड़ अभी ना दुपड़े गम के छोटा मोटा प्यार दिखा मत कुंवारी हूँ मैं हाथ लगा मत जाने ऐसा न कर सबके आगे इज्जत का तू कचरा मत कर बम्बई है ये मुंबई है ये जैसा तू है वैसी मैं हूँ ऐसा वैसा बोला मत कर गुड़िया हूँ मैं गुड्डा है तू जाने हो ना तू मुझसे खफा चांद का टुकड़ा दिल में मेरे चम 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 के छेड़ अभी ना दुपड़े गम के छोटा मोटा प्यार जता मत कुंवारी हूँ मैं हाथ लगा मत दिल में मेरे चम 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 के छेड़ अभी ना दुपड़े गम के बैठे हैं मेरे मन के तन यहाँ मुझे बदनाम नहीं कर दिल में मेरे चम 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 के छेड़ अभी ना दुपड़े गम के छोटा मोटा प्यार जता मत कुंवारी हूँ मैं हाथ लगा मत अरे बार बार हमको खत लिखता है फोटो भेजता है पहले तो खुद ऑस्ट्रेलिया चला गया अब हमारा बेटी को उधर बुलाता है हैं? हमारा बेटी नहीं जाएगा वो हमको प्यार करता है इस देश को प्यार करता है मम्मी बुलाएगा भी फिर भी नहीं जाएगा हमारे पास रहेगा हमारा बेटी है साथ साथ हम हैप्पी रहेंगे है? वो तुम्हारे साथ काम करता है क्यों है शी इज अ नाइस गर्ल बट थोड़ा इंपल्सिव है जानी ये तो उम्र का हिसाब है देखो तू तो मेरा दोस्त है ना भाई जैसे एक बात पूछो क्या बुरा नहीं मान लेगा अरे नहीं पूछो बड़ा देखो तुमको नहीं लगता क्या कि रोजमेरी के दिल में तुम्हारे लिए अलग सी जगह है परहैप्स शी इज इन्फैटुएटेड अरे ब्रदर डोंट बी सिली अरे जानी देखो 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 I don't want to hurt you, हाँ? लेकिन मैं उसका बाप हूँ, हाँ? थोड़ा थोड़ा उसका दिल का बात समझता हूँ, हाँ? इस दिल में अपना दिल एकदम साफ है, हाँ? सोचो, मगर रोजी उम्र में बहुत छोटा है यार। जिंदगी कैसी है पहेली ओके ये दो हैमबर्गर और ये दो चीज़बर्गर अरे ये क्या तुमने सारी बियर साफ कर दी अरे नहीं 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 तुम्हारे लिए एक बचा के रखा है लगता है बादल छाएगा चलो मोहन हम इसे शेयर करें नहीं बाबा ये हमरा बिल्कुल नहीं चलेगा बहुत तीता है कड़ुआ अरे आइडिया अपन को एक कमाल का आइडिया आया है देखो हमारा गैराज में एक टूटा पुराना वैन जंजाल खा रहा है हाँ
हम थोड़ा मेहनत और पैसा लगाकर उसको चमका देगा, एक कोट पेंट का और लिख देगा जॉनी एंड इज टॉकिंग डॉल। चलो तुम अपना सारा सामान उस वैन में डालो और अक्का शहर में घूमो, चलो फ्री पब्लिसिटी भी हो जाएगा, क्या कैसा रहा है? चीयर्स। हेलो। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। बैठिए। जी शुक्रिया। कैसे हैं? बस आपकी दुआ है। अच्छा मरे कोई जिंदगी है? आदमी दिन भर मशीन की तरह काम करके घर आता है और देखने को क्या मिलता है? तुम्हारा ये सड़ा हुआ थोपड़ा। अरे कुछ बोलेगी भी क्या? गुल्लू लाली और मुन्नू पास वाले घर में वीडियो देखने गए थे, उन्हें गला पकड़ के बाहर निकाल दिया। ओह, तो उनसे कह दो कि कल से उनके घर पे ना जाए। अरे भाई मर गए। अरे भाई मैं कोई पैसों का झाड़ हूं क्या कि हिलाया और पैसे झड़ने लगे? तुम्हें कल ही मैंने ये नथ खरीद के दी है ना। तुम्हारा दिल कितना छोटा है, पास वाले चतुर्वेदी तो तुमसे भी छोटी नौकरी करता है लेकिन उसके पास सब कुछ है। देखो ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं खूब जानती हूँ, घूस खाते हैं। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर छोटे से छोटे घूस खाते हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों को खुश तो रखते हैं ना। और उसके बाद जेल भी जाते हैं। तो क्या हुआ, बड़े से बड़े सरकारें जेल जाते हैं और फिर छूट जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी जिंदगी भर की आसानी। खरीदो खरीदो खरीदो। अरे क्यों खरीदो, कहां से खरीदो, कैसे खरीदो, कुछ जानने की जरूरत नहीं। खरीदो 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 मोटर गाड़ी वीडियो टीवी एसी कूलर वैक्यूम क्लीनर। खरीदो 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 मोबाइल पेजर सीडी प्लेयर टेप रिकॉर्डर मिक्सर ग्राइंडर। खरीद लो खरीद लो खरीद लो, पोस्टर जैसा कहे वैसा करो तुम भी, देख कर इश्तहार सपने बुनो तुम भी। खरीद लो खरीद लो खरीद लो। खरीदो 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 मोटर गाड़ी वीडियो टीवी एसी कूलर वैक्यूम क्लीनर। खरीदो 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 अपलम चपलम चोली चमचम टट्टू टमटम अगड़म बगड़म। ना हो जो कैश तो उधार लो मगर खरीदो, रकम अगर बड़ी लगे तो किश्तों पर खरीदो। इंस्टॉलमेंट चोरी करो रिश्वतें लो भाई, बिना जरूरतों की सर पे आफते लो भाई। हेलो हेलो। हाँ जी। यहाँ क्यों फोन किया तुमने? ना रंग है ना रूप है ना प्यार है ना यार है, हर एक आदमी पे उसकी ख्वाहिशें सवार है। भागम भाग है हर तरफ, भागो सुबह शाम, थक जाओ तो कब्र में कर लेना आराम। जियो तो तराम, खूब मरे खूब जिए, जय हो तो तारा।
पूछो जॉनी साहब का मकान किधर है। जी गुड़िया वाला जॉनी का घर किधर है? वो बाजू गली पे जाओ। वो वाली? हाँ, अपन गाड़ी नहीं जाता। मुझे यूं ही समझती रहो, सही गलत जो जी में आए, मगर तुम्हारे कान में दिन रात जो मंत्र फूकते रहते ना, वो तुम्हारे चाहने वाले नहीं है, याद रखना। She's a bitch, वो चुड़ैल है। देखो रुबशी, वो एक छोटी सी बच्ची है जो मुझसे तालीम ले रही है, और फिर ये गुरु शिष्य का संपर्क ना तुम्हें कभी समझ में आया और ना आएगा। गुरु शिष्य तो इस बार कटे चुड़ैल की तालीम होटल में हो रही थी। Stop it. मुझे सेपरेशन चाहिए। जो जी में आए करो, मगर इतना जान लो कि सेपरेटेड लोग कभी खुश नहीं रहते, उनके बच्चे भी उदास रहते हैं। Come in. Yes. शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। I'm sorry. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए ना, बाहर ही खड़े होकर बात कर सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं अंदर आइए, कम इन। आप लोगों को कोई दुश्मनी तो नहीं होगी? मैं समझ गया, आप शायद सोच रहे होंगे कि हम मियां बीवी झगड़ रहे हैं। वैसे मैं बैचलर आदमी हूँ, मैं झगड़े की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, इस गुड़िया के साथ? ये मेरी झगड़ेलू गुड़िया है। हाँ मैं जानता हूँ, बैठिए ना। थैंक यू। मेरा नाम प्रभाकर मुखर्जी है, मैंने कल आपका शो देखा, जबरदस्त शो, बिल्कुल चैप्लिनिस्ट। मैं आपको बधाई देने आया हूँ। थैंक यू सर। सुना है कल शो में बहुत नामी दामी आदमी थे। मैं तो बहुत नर्वस था सर। अरे नहीं नहीं इसमें नर्वस होने की क्या बात है, हर आदमी ने पसंद किया। हाँ वैसे कुछ लोग हैं जिनको नाइव लगाओ, मतलब मंजा हुआ है। वो सब ऊंची नाक और ऊंची भावे वाले लोग, वो हर चीज को अपने रंगीन चश्मों से देखते हैं। आपका शो बहुत ही दिलचस्प रहा। हाँ और आपने आज की सच्चाइयों को जिस तरह पेश किया, उसका कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट की। आपका खरीदो खरीदो गाना सुनते वक्त मुझे टॉल्स्टॉय की कहानी याद आई, वॉर एंड पीस। अरे नहीं नहीं वो नहीं, वो तो एक एपिक उपन्यास है, एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ ऐसी है, एक आदमी था, वो दिन रात बहुत सारी जमीनों के मालिक होने का ख्वाब देखा करता था, मगर किसी तरह उसके ख्वाब पूरे न होते। निराश होकर वो जमींदार से प्रार्थना किया, मालिक ने सुन ली और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जमीन चाहिए? कितनी जमीन चाहिए? उसने कहा, जहां तक नजर जाए प्रभु। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह सूर्य उदय होते ही यहां से दौड़ना शुरू करो, और जितना दौड़ सको दौड़ो, मगर सिर्फ शाम ढलने तक दौड़कर इसी जगह वापस आ जाओ, सारी जमीनें तुम्हारी होंगी। फिर उसने खुशी से दौड़ना शुरू किया और जमीन के महान अंश की परिक्रमा के बाद जब वो उसी जगह वापस आया, उधर सूरज ढल पड़ा और इधर वो निढाल होकर गिर पड़ा। फिर उसे आराम से पांव फैलाने के लिए दो गज जमीन मिली, सिर्फ दो गज। और उस आदमी को कुछ पता भी नहीं चला।
वहाँ एक जरूरी बात है। वैसे ही शहर के वीआईपी, बल्कि मैं तो कहूंगा एक वीवीआईपी, कल मुझे आपके शो देखने ले गए थे और उनकी तरफ से जल्द ही आपके पास एक ऑफर आएगा। उस ऑफर को स्वीकार करना या नहीं करना ये तो आपकी मर्जी है। मैं आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मगर आप इजाजत दे तो उम्र में बड़े होने के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप मुझे आप ना कहिए सर। नहीं, आप टैलेंटेड आदमी है, हुनर है, मेहनत है और धीरज है। आप अपनी राय बेहिचक दे सकते हैं। आपके पास एक बड़ा एसेट है कि पब्लिक आपके साथ है और हमेशा रहेगा। हाँ, मगर एक बात, हमारी इस मुलाकात की किसी को पता ना चले, इस गुड़िया को भी नहीं। हाँ अच्छा, तो मैं चलूँ? सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन आप हमारे घर आइए ना। हाँ, हम सब बहुत खुश होंगे। कमेन, हेलो। हाय, बिजी? नहीं, एक बहुत खूबसूरत फ्रेज मिला है। मोहन लौटा क्या? शायद कल लौटेगा। ये सेलिब्रेशन किस खुशी में? मुझे मालूम था तुम्हें याद नहीं होगा। इट्स माय बर्थडे। Oh, I am so sorry, Rosemary. Many, many happy returns of the day. Thank you. God bless you. अब मगर जन्मदिन का तोहफा, चलो अभी दुकानें खुली होंगी, कम से कम फूल ही मिल जाएगा। मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा गाना सुना दो जॉनी अंकल। Naughty girl. Cheers. Cheers. एक मिनट, मैं अभी आई। मेरा बर्थडे ड्रेस पहचाना? मतलब
जानी पहचानी नहीं लगती। What do you mean? सिर्फ तुम्हारी उर्वशी ही सज धज सकती है, मैं नहीं। मुझे सजने का शौक नहीं है क्या? वही कीमती वाला डिजाइनर्स ड्रेस। वही खरीदना था। ये औरत भी कितनी अजीब है। माय लिटिल स्पॉइल्ड ब्रैट। ओके माय अंकल जॉनी, नाउ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। Rosemary, Rosemary, har roz meri, Rosemary, Rosemary, har roz meri, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मजेदार कबाब है, कहां से ले आई? ट्राई। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। क्या उर्वशी का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है? She's only a prop. वो दूसरी प्रॉप्स के साथ वैन में क्यों नहीं रहती? अरे वक्त बेवक्त जरूरत पड़ती है, रिहर्सल करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, कभी कभी सजाना भी पड़ता है। ये सब तो मैं भी करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बात कुछ और है। तुम्हें इसका जुनून है, यू आर ऑब्सेस्ड विद हर। तू नहीं समझेगी, उर्वशी मेरी आत्मा का दूसरा रूप है, मेरा वजूद है। जब तू बड़ी हो जाएगी सब समझ जाएगी। बड़ी? मैं बड़ी नहीं हूं क्या? मुझे हमेशा बच्ची समझते हो तुम, बेवकूफ हो तुम। हमीद की तरह तुम भी पागल हो रहे हो। I have to go now. Papa must be waiting for me. Rosemary, wait. You're drunk. Wait. Wait. I hate you. Thank you.
मैं क्या कर सकता हूं, ये बच्चियां जवान क्यों हो जाती हैं बता सकती है तू? तू तो स्वर्ग की अप्सरा है, जवान, हमेशा जवान। मैं सचमुच घबरा गया था, लहरों के साथ मैं उठती एक भरपूर नारी को देखकर। शायद उसकी मां मेरी कमजोरी थी, बता सकती है तू ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, बता जादूगरनी। नखरे वाली अपने जेबों से जीन निकाल और बता। तू डरपोक है बस। नमस्कार, माफी चाहता हूं आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्लीज सिट डाउन। अरे भाई मुन्ना भाई जी, आपने इनकी बोलती गुड़िया को देखा? नहीं सर, देखा तो नहीं है पर सुना है कि बहुत बड़ा पॉपुलर सीरियल है। अरे भाई सीरियल नहीं, शो है। ओ वेंट्रिलोक्विज्म। अरे भाई आजकल तो कोई करता ही नहीं। तकरीबन 15-1 साल पहले एक रुस्तम भाई थे मुंबई में, आप ही की तरह बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनकी गुड़िया फिरंगी थी, आपने देखा उन्हें? जी नहीं सर, लेकिन सुना है कि उनके शोज झोपड़पट्टियों में बड़े पॉपुलर थे। भाई लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया, फिर से इस हुनर को जिंदा कर दिया। वैसे मैंने आपका या एक ही शो देखा है, जवाब नहीं, केवल मैंने ही नहीं तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रभाकर बाबू, जो इस शहर के जाने माने व्यक्ति हैं, वो तो आपके बहुत बड़े फैन हो गए हैं, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। जॉनी जी आप लोगों को बिठाकर हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, तो हम सब की ये इच्छा है कि पब्लिक को होल्ड करने की आपकी जो शक्ति है, जो ताकत है, इसे क्यों ना जन सुधार में लगाया जाए। और हम चाहते हैं कि इसी छोटी सी सच्चाई को अगले चुनाव में आप जनता तक पहुंचाएं। हम लोग छोटे आर्टिस्ट हैं, तमाशा करके जीते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, हमें तो शब्द ही नहीं मिलेंगे। जॉनी अगर आप जैसे लोग एक बार इस मैदान में आ जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाजी हमारे हाथ में ही होगी। सर शायद मुझसे नहीं होगा, अगर मुझे माफी कर दिया जाए तो अच्छा है। अरे कैसी बातें करते हैं। अरे भाई कुएं का मेंढक बन के रहने से क्या फायदा, हो सकता है कि चुनाव के बाद आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, और ये सारी व्यवस्था भी हमारी संस्था ही करेगी। आफ्टर ऑल वेंट्रिलोक्विज्म इज होना भाई। जी सर। बाकी की तमाम बातें आप इनसे कर लीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। साहब अब मुझे इस लफड़े से दूरी रखिए। ए खुशकिस्मत समझ अपने आप को, बॉस इतना टाइम बहुत कम आदमी को देता है, उनके सामने आदमी तो क्या चिड़िया भी ना नहीं कर सकती। भैया तो बराबर है तेरा क्या, कल सुबह आके एडवांस ले जा।
जॉनी, हाउ कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? साथियों, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही कि हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, सर छुपाने के लिए छत नहीं मिलती, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता। आज भी हमारी माओं, बहनों और बच्चों को मीलों दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। आज हमारे देश को जरूरत है शिक्षा की, लेकिन शिक्षा देना तो दूर रहा। हम बात करते हैं फ्री मार्केट की, लिबरलाइजेशन की। आप सब लोग सुबह का अखबार पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस में लिखा होता है कि फला मिनिस्टर ने सरकारी खजाने में से 300 करोड़ का गबन किया, फला मिनिस्टर ने 500 करोड़ का गबन किया। इतने सारे स्कैम, मैं पूछता हूं जिस देश की जनता, जिस देश के नेता इतनी चोरी करे, लूट करे, वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी में करप्शन नहीं है, हमारी पार्टी में कमजोरियां नहीं है, हैं, जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मुकाबले में बहुत कम। पिछले 5 सालों में हमने क्या किया ये कहने की जरूरत नहीं। आप सबने देखा होगा कि हम चावल की कीमत में गिरावट हम लोग ले रहे हैं। देखो, इसके बाद ही तुम्हारा प्रोग्राम सारा पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और नेताजी जो बोल रहे हैं ना, उन सबको दही की माफी जमा के बोलना। पब्लिसिटी में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे। काम करती है आम जनता के लिए, काम करती है। दो बातें ये सरकार पिछले 50 सालों में पूरा नहीं कर पाई, आपका ये सेवक अगले 5 सालों में पूरा करके दिखाएगा। मेहरबान कदरदान, हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान, मेरा देश महान। मैं जॉनी, जॉनी मेंडेस, और ये मेरी गुड़िया उर्वशी। हाँ, मेरी बोलती नाचती चहकती गुड़िया उर्वशी, और जरूरत पड़े तो आपके मन की अनकही बातें समझने वाली गुड़िया उर्वशी है ना उर्वशी? गर्चे ये हसीना, गर्चे ये हसीना हमारे देश की नहीं है, लेकिन हमारे देश के इतिहास से इसका संपर्क सैकड़ों सालों का है। 50 साल के आजादी के बाद भी ना हमको खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना सर के ऊपर छत है, फिर भी मैं अंदेजान, हाँ अंदेजान, फूलों फलों से भरा अंदेजान, शहंशाह बाबर का जन्मस्थान,
वहां से मैं इसे लेकर आया। उसके बाद उसे लेकर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की वादियों तक भटकता रहा, कितनों को खुशियां बांटी और इस महान देश के लोगों से सुख और आनंद समेटते रहे। लेकिन आजकल मेरी ये गुड़िया उदास रहती है, देश की दुखी जनता को देखकर बीमार रहती है, हर वक्त रोती रहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती रहती है, हे प्रभु कोई ऐसा सरकार ला दो जो गरीब जनता के आंसू पोंछ सके, उनके दुख बांट सके, भटके हुए लोगों को प्रगति के रोशन पथ पर ला सके। हां मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, 50 सालों में जो ना हो सका अगर आप हमें वोट देंगे तो 5 साल के अंदर हम वो पूरा करके दिखाएंगे, है ना उर्वशी? है ना उर्वशी? बोलो, जनता जानना चाहती है, बोलो उर्वशी। महफिल में मुझे छोटा करके अच्छा लगा ना? क्या मिला तुझे? तुम लोगों को बोर कर रहे थे। मैं या तुम? लहक लहक के कह रहे थे मेरी उर्वशी बोलेगी, नाचेगी, चहकेगी, मन की अनकही बातें समझेगी। ये तो मैं रोज करती हूँ या नहीं उर्वशी? बोलो, जनता जानना चाहती है। मैं क्या जानू, जनता क्या जानना चाहती है? स्टॉप इट जॉनी, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। मैंने तुम्हें बचा लिया मेरी जान। विल यू प्लीज स्टॉप दिस जॉनी, ये क्या पागलपन है? जब तक तेरी आवाज में दम है ये उर्वशी बोलती रहेगी। आवाज में सुर हो तो नाचती रहेगी, दिल दिमाग ठीक रहे जॉनी तो पब्लिक को नचाती रहेगी, और अगर इनमें गड़बड़ी हो जाए तो इसे मत रखना, बेच देना। हाँ मैं तुझे बेच दूंगा, हाँ मैं तुझे बेच दूंगा। होश में आ जानी, होश में आ। You're going crazy. Come into your senses. Take it easy. Take it easy. अरे नमस्ते मुन्ना भाई, आइए। क्या रे, कर दिया ना लफड़ा? हो नहीं पाया मुन्ना भाई। तो तू क्या पब्लिक मीटिंग में बलवा करवाएगा? इसको क्या अपने बाप का शहर समझ के रखा है? बलवा नहीं मुन्ना भाई, इस गुड़िया ने साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया मतलब? देख अपने को चूतिया नहीं समझने का। ए, ये कोई सचमुच की औरत थोड़ी है, ये तो तेरे हाथ का खिलौना है रे, खिलौना। ये इतना रुपया, इतना पब्लिसिटी, अपने को पांडू समझ के रखा है क्या रे? एडवांस वापस ले ले मुन्ना भाई,
मोहन रुपया वापस दे दे। रुपया फौरन वापस दे दे। ये है शनि का चक्र, नन्हे नन्हे बर्फ के टुकड़े, दरअसल शनि के आसपास मंडलाती हुई जमीन के निशान है। इन सब को लेकर शनि रात दिन मंडलाता रहता है, और एक बार सूरज के चक्कर में उसे 29 साल 5 महीने लगते हैं। मैंने इतने पास से कभी तारे नहीं देखे। शनि तारा नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी की तरह एक ग्रह है। इस दूरबीन से सारे ग्रह दिखाई देंगे, और दूर दराज फैले हुए अनगिनत तारे, और हमारी यह सोलर सिस्टम की तरह और लाखों जाने और अनजाने सिस्टम्स हैं। ये सब अपने नियम से घूम रहे हैं। तुम घूम रहे हो, मैं घूम रहा हूँ, तुम्हारी उर्वशी भी घूम रही है, और हमारे महान नेता भी। हम सब इसी गर्दिश में फंसे हुए हैं, सब अपने अपने परिक्रमा में लगे हुए हैं। समझे मियाँ, इस महाकाश के नशे में एक बार पढ़ो तो हर नशा फीका लगेगा। चलो उधर बैठेंगे। मेरा दिल कह रहा था ये तुमसे नहीं होगा। न जाने उस दिन उर्वशी की आवाज क्यों खो गई थी। क्या शो, लोग बोर हो रहे थे, मुझे अपने अल्फाज खोखले और बेमानी लग रहे थे। शायद मेरी किस्मत में उस दिन पब्लिक के जूते लिखे थे। तो सांप का डस भी मिल गया, तब तो ये नया आदमी बनेगा। फिर पब्लिक आएगी, फिर तालियां बजेंगी। खेल जारी है, यही है कालचक्र जॉनी। ये उनके बचपन की तस्वीर है, विलायत से लौटने के बाद एकदम लाज साहब दिखते थे। He was so handsome. और ये हमारा एकलौता बेटा, बहू और उनके बच्चे। ये कहाँ रहते हैं? स्वीडन में। मेरा बेटा वहाँ एक नामी डॉक्टर है, हम तो वहाँ कम ही जाते हैं, ये 2-3 साल अंतर यहाँ आते हैं। बच्चों की बहुत याद आती है। उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? वो तो यहाँ आकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब ये पढ़ने के लिए गया था ना, हर एक खत में लिखता था, माँ यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अरसे से तुम्हारा हाथ का शोशे माछ बंगाली मछली नहीं खाया, पढ़ाई खत्म, घर वापस। देखते देखते 18 साल बीत गया, अब तो वापस आना भी मुश्किल है, ज्यादा कमाई, अलग लाइफस्टाइल। इट्स डिनर टाइम। क्यों लो शोभा देवी, डिनर रेडी? हाँ हाँ, 10 मिनट टिकिया तलनी है। आओ, मैं मदद करूँ? नहीं नहीं प्लीज, तुम बैठ के बात ही करो, बाई है, जाओ। आपकी पुरानी तस्वीरें देखी, बहुत हैंडसम थे आप। क्यों, अब नहीं हूँ? नहीं, जॉनी को उसका जोडियक साइन दिखाया। लियो, व्हाट्स योर्स? टॉरस। टॉरस। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आपसे मिलवाते हैं नाचती झूमती खेलती आसमानी गुड़िया से, और इसके साथ हंसाता रुलाता खिलाता उसका उस्ताद जॉनी, जॉनी और उसकी बोलती गुड़िया उर्वशी। चुनाव चुनाव चुनाव। वोट दो हमें दो, वोट दो हमें दो, वोट दो हमें दो, वोट दो हमें दो।
भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरी एक विनती है। रोटी भी पानी भी बिजली भी प्यारे, ये हर चुनाव के वादे हैं सारे। मैं हूँ साधु, ये है चालू, मैं हूँ सच्चा, ये है लुच्चा। टोपी में इनकी भरा है हवाला, इनकी भी पार्टी है गड़बड़ घोटाला। राम राज चाहो तो वोट हमें दो तुम, भेदभाव लाओ तो वोट इन्हें दो तुम। तू चोर तू चोर 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 चोर, मैं चोर 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 चोर। वोट दो हमें दो, 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 वोट दो हमें दो। मेरे आसपास जो कुछ भी होता है, होटलों में, गलियों में, सड़कों में, मैं जो कुछ भी देखता हूँ सुनता हूँ उसी को मैं अपने ढंग से लोगों को पेश करता हूँ। आम लोगों की मुसीबतों की कहानी आम लोग देखना पसंद करते हैं। आपके हाल के प्रोग्राम्स क्या डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? कुछ तंज नहीं कर रहे आजकल की योजनाओं का? नहीं नहीं, ये सच नहीं, मैं तो सिर्फ सच को जनता तक पहुंचा रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ बस। गुड़िया हूँ मैं तेरी गुड़िया, तेरी बोलती नाचती गुड़िया, अब क्या तुझे दूँ बोल, क्या तुझे दूँ बोल, ओहो मेरे छैला। लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झूमती लैला। गुड़िया हूँ मैं तेरी गुड़िया, तेरी बोलती नाचती गुड़िया, लैला है तू मेरी लैला, मेरी झूमती झूमती लैला। देखा कितनी सारी गलतियां की हम लोगों ने, पूरा सत्ता नाश हो गया, हम लोग एक छोटी जगह में बांध दिया, ये खेल कैसे हो सकता है? अरे हम लोगों का इलावा ये सब टेक्निकल लफड़ा और कौन समझेगा उसका? अरे देखो भाई, ये टीवी भी हमारे बस की बात नहीं, साला ना पब्लिक ना तालियां और ना हेलो प्रभात। हाँ गुड मॉर्निंग, कब वापस आए? एक तूफानी दौर है। बहुत संगीन मामला है, चारों तरफ स्कैम है, लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। भाई इन्हीं मौकों के लिए तो कौटिल्य ने कहा था कि राजा गया तो जनता गई। हाँ वो वेंट्रिलो की छोकरा है ना? हाँ जानी। हाँ हाँ वही, बहुत सर उठा रहा आजकल। क्यों क्या हुआ? अरे भाई हमने तो उसे बहुत खूबसूरत ऑफर दिया था, वो तो दूर की बात रही, उल्टा लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा इग्नोर है। मैं जानता हूँ कि वो दो कौड़ी का छोकरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चुनाव सर पे हैं इसलिए थोड़ी चिंता है। ऊपर से पत्रकार उसके बारे में लिख रहे हैं और हमारी पार्टी के लोगों को भी बहका रहा है, और फिर आप तो जानते हैं इस चुनाव में हमारी पार्टी की हालत थोड़ी दुर्लभ ही है। नहीं नहीं आप निकल जाएंगे, चुनती करे पुकार हाथी चले निर्विकार। सुना है कि आजकल वो आपके यहाँ बहुत आता जाता है, उससे कहिए कि अपनी गुड़िया को लेके कम से कम एक महीने के लिए शहर से दूर चला जाए, यही उसके लिए बेहतर है। बाय। আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও। দেখিলে আনন্দ কি হলো, কিসের এত উত্তেজনা? খেল জম গিয়া। রাজু কোন আয়া রে? ব্রগঞ্জা ইধার আ। সালাম মুল্লা ভাই। আরে আপকা হফতা তো হাম পহলে জ ভেজ দিয়ে। এই বসুলি মে নাহি করতা, আর দেখ ও জো তেরা হোনে ওয়ালা দামাদ হ্যায় উসকো সামাল, বাদ মে আগার লফড়া হুয়া তো ফির তুই সমঝনা। কুছ সমঝা নাহি মে। এই শানে তু কব সে সন্যাসী বন গয়া রে? আবে ও গুড়িয়া ওয়ালা তেরা বেটি জিসকি রকেল হ্যায়। Don't be silly. Johnny मेरा दोस्त है, भाई जैसा है। रोजी उसका बहन माफी कर। दे तेरी पैन की।
चलो मुन्ना भाई उधर चलते हैं। अरे छोड़ना, उधर क्या है, वो गुड़िया वाले छोकरे को अपन ने कितना बड़ा काम दिया है, बेवकूफ लफड़ा करके उधर से निकल गया, बहुत चर्बी चढ़ी है उसको, बोलता है न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल का बच्चा सारा दिन भाषण देता हुआ फिर रहा है, उस उल्लू को मालूम है कि इलेक्शन क्या होता है, है? उधर अखबार वाले उछाल उछाल कर लिख रहे हैं, इधर पब्लिक का दिमाग गर्म है, मालूम है ये सब कितना डैमेजिंग है। मुन्ना भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता है, अरे तू ही तो उसका एजेंट है हरामजादे, गुड़िया कंपनी का ऑफिस खोल के रखा है इस गैरेज में, इधर साइन बोर्ड भी लगाया है, एडवांस दहेज में वैन भी दे के रखा है उसको, देख अपने साथ शानपति नहीं करने का, वो तो गया अब तू भी जाएगा, ये साला गैरेज कैसे चलता है मालूम है उस लौंडे को, देख ये लास्ट वार्निंग है, अगर तेरे को ये टीम टपरा बचाना है तो तू उसको समझा। बीस नंबर, अरे बीस नंबर राइट, जॉनी हैज गॉन मैड, वो हम सबको बर्बाद करेगा, जॉनी को जो करना है वो करे, हम नहीं मांगता कि तुम इन सब लफड़ा में रहे, हमारा गैराज में वो गुड़िया कंपनी का ऑफिस होना बहुत डेंजरस है, क्या सोचता है प्यारे जॉनी? कंग्रेचुलेशंस, तुम लोगों की सफलता की कहानी लगातार चले यही कामना है, टाइम्स में तुम्हारे बारे में विनोद चोपड़ा का लेख पढ़ा, खेल जम गया है, हम कुछ दिनों के लिए नागपुर जा रहे हैं, वापस आते ही तुम्हारा नया शो देखेंगे, जूले वर्न की ये किताब भेज रहा हूँ, तकरीबन 100 साल पहले ऐसा सोचा था, फुर्सत मिले तो पढ़ लेना। इलेक्शन से पहले इन पॉलिटिकल बातों से दूर रहें तो अच्छा, हमारे शोज के लिए और भी कितने सारे इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं, है ना? अगर फिलहाल पब्लिक को यही चाहिए। अब तो तुम्हारा नाम बिकता है जॉनी, जो बेचोगे वही बिकेगा। मगर पब्लिक तुमसे थोड़ी सी ज्यादा होशियार है, तुम चाहती हो उर्वशी चुप रहेगी तो जॉनी भी चुप रहेगा, अगर जॉनी चुप हो जाएगा तो उर्वशी भी चुप हो जाएगी, वो लोग धमकियां देंगे और हम चुप रहेंगे। उर्वशी चुप की दुश्मन है, मैं चुप हो जाऊंगा तो कल कोई ना थकने वाला आदमी इसे ले जाएगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी तरह इसे ना जन्म का डर है ना मौत का खौफ, ये तो अप्सरा है, स्वर्ग की अप्सरा, हमेशा जवान। मोनिया, नौगांव का प्रोग्राम कंफर्म कर दे, वो मुन्ना भाई का एरिया है ना, जो भी पैसा दे राजी हो जाना। ओके बॉस। कैसा लग रहा है मेरी जान? ये हुई लबार, कितने मुद्दत के बाद तुम मुझसे खुले आसमान के नीचे खेल रहे हो, पहचानी सी खुशबू, बड़ा मजा आया। वैसे मुझे भी अपने बचपन की याद आ रही है, गोवा मेरा छोटा सा गांव अगुंडा, डैडी मुझे गिटार सिखा रहे हैं,
डो रे मी फा सो ला टी डो। तुम मुझे कभी भी अपने गांव नहीं ले गए? मुझे भी अपने गांव गए बहुत साल हो गए। अब वो गांव ही कहां रहा, कंक्रीट का जंगल बन गया है। और ये जो तुम बस्ती देख रही हो ना, ये भी कहां रहेगी? कुछ ही दिनों में यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएंगी। हाय जुलुम, तब ये लोग कहां जाएंगे? जिनके खंभों का जोर होगा वो टिकेंगे, बाकी लोग नए छत की तलाश में कहीं और चले जाएंगे। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, इस होनी को कोई नहीं रोक सकता। इन इलाकों पर उन लोगों की नजर गड़ी है। अरे बंद करो ये बकवास, नाच गाना शुरू करो। सब्र का फल मीठा होता है, जरा सा इंतजार फिर नाच गाना। हाँ जॉनी, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि थोड़े दिन पहले यहाँ चुनाव की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक महान नेता ने भाषण में कहा कि इस इलाके का नक्शा पलट देगा। वो तो उन्होंने सच कहा था, नक्शा तो पलटेगा, मगर कैसे? वो ऐसे कि महान नेता के एक जिगरी दोस्त इस इलाके के सबसे बड़े चाहने वाले, उनसे अच्छा इस बस्ती का कल्याण और कौन कर सकता है? ये बस्ती नहीं रहेगी। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि उस महान नेता के उस जिगरी दोस्त ने यहां एक 5-स्टार बीच रिसोर्ट और गोल्फ कोर्स बनाने का प्लान भी सैंक्शन करवा लिया है। अरे नहीं नहीं भाई लोग, ये कठपुतली वाला साला झूठ बोलता है। क्या? मेरा मन झूठ बोल रहा है? आओ मंच पर आओ और सारे पब्लिक से कहो कि झूठ क्या है। चोर चोर मौसेरा भाई, भाषण क्या देता है साले नौटंकी, पब्लिक को बोर करता है। भाषण से इसे काहे का जलन? आप लोग तो चुपचाप सुन रहे हैं ना, बोर भी नहीं हो रहे हैं, फिर इसको काहे को जाने? जाने भाइयों, आप लोग इससे नहीं जाना, छोड़ो मर, हट, नेता बना पड़ता है, मत जाओ। बहुत बोलती थी ना, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मोहन पैसा वापस कर दे। बोल, बोल, नाच, नाच साली, नाच, नहीं, हाथ नहीं लगाना, जॉनी, हाथ नहीं लगाना मेरी उर्वशी को, छोड़, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे उर्वशी को, छोड़, यू बास्टर्ड। Thank you.
अरे उर्वशी को छोड़ दे। जॉनी, जॉनी, जवान जा जा तू जादू कर ली जा 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 जी जानी साहब तो घर में नहीं है। कब लौटेंगे? वो तो शहर से बाहर गए रहे, लौटने में 2-4 दिन तो लगेगा ही। आप उनसे कहना मैं आया था प्रभाकर मुखर्जी। जी वो जरूर मुझसे कांटेक्ट। जी हा? जी वो हाँ, ये भी कहना 2-4 दिनों में एक धूमकेतु नजर आएगा, वो उसे मेरी दूरबीन से देख सकता है। प्रभाकर जी, मोनिया टीवी बंद कर दे। जॉनी, ए जॉनी, हम क्या बोलता है समझने का कोशिश करो। हाँ देखो, इस झमेले से बाहर निकलना पड़ेगा जॉनी यार। हाँ जिंदगी में सबको थोड़ा समझौता करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि तुम हार मान लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज और हार में बहुत फर्क है। मेरी उर्वशी चली गई, मेरी आवाज। अरे वो तो एक डाल थी यार, तुम एक नई गुड़िया बनवा लो ना। लेकिन बड़ा लोगों के साथ काय को उलझता है मैन, उनके पास पैसा है, पावर है, पुलिस है, सब है यार। मेरे पास जनता है, उनका प्यार है,
अरे ये काफी नहीं है यार, और इतना तुमको जिद करना है ना तो छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाता है? अरे ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाता यार, अपना बहुत जात वाला है उधर। देखो वेंट्रिलोक्विज्म बहुत पॉपुलर हो सकता है यार, अपना दिल का बात खोल कर कह सकता है तू। तुम अपनी रोजमेरी को क्यों नहीं भेज देता उधर, बोलो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब तक सो रहे थे? बहुत ज्यादा पी ली थी, हैंगओवर है। कम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। बंद करो आंखें। अब हाथ बढ़ाओ। मेरे लिए बजाओ जॉनी प्लीज। I love you, Johnny. Thank you.
तुम कैसी हो उर्वशी? मैं अच्छी नहीं हूं जान। क्यों अच्छी नहीं हो? मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, गाड़ी, फ्लैट, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इतने सारे गहने, और ये हीरो का नेकलेस। सब पता है मेरी जान, मगर तुमने मेरी आजादी छीन ली। बकवास, तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, जहां चाहे जा सकती हो। तुम तो आज की नारी हो, तुम्हें कौन टोक सकता है? मुझे पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ सच नहीं बोल सकती। सच बोलते ही अशांति, घर में, बाहर, चारों तरफ। हद से ज्यादा मैं सिर्फ अर्थ सत्य बोल सकती हूँ। ओहो उर्वशी, तुमने फिर से सीरियस बातें करना शुरू कर दी। देखो पब्लिक बोर हो रही है, वो देखो लोग चले जा रहे हैं। छोड़ो ये सब, चलो नाच गाना शुरू हो जाए। गीतों पर पहरे हैं, होठों पे ताले हैं, यहाँ तो जीने के चलन निराले हैं। सच यहाँ बोलो नहीं, राज़े दिल खोलो नहीं, सहन से सोचो नहीं, आँखों से देखो नहीं। है ये झूठों का जहाँ, हर जुबां है बेजुबां, फिर भी जीना है यहाँ, जाए तो कहाँ। चाहे जैसी उलझन हो, लाख जमाना दुश्मन हो, जब तक मेरे साथ हो तुम, गीत हूँ मैं, आवाज हो तुम, यूं ही मैं गाऊंगा। पर पहरे हैं, होठों पे ताले हैं, यहाँ तो जीने के चलन निराले हैं। एक से आंसू है, एक सी आंखें हैं, एक से राही, एक सी राहें हैं। यूं गिनो तो कई आदमी है, मगर एक ही आदमी मैं ही सारी जनता हूँ, सदियों से जिंदा हूँ। चाहे जैसी उलझन हो, लाख जमाना दुश्मन हो, जब तक मेरे साथ हो तुम, गीत हूँ मैं, आवाज हो तुम, यूं ही मैं गाऊंगा।